उज्जैन के चारधाम आश्रम में 12 ज्योतिर्लिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। चारधाम में नवनिर्मित 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा व कोरोना निवारण हेतु आयोजित महारुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति सोमवार को शंकराचार्य जयंती के शुभ अवसर पर कोरोना से सुरक्षा के नियम पालन कर सीमित संख्या में की गई। पूर्णाहुति कार्यक्रम में प्रमुख रूप से तीर्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह चौहान, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय शामिल हुए। समापन में महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद महाराज सहित सभी यजमानों व अतिथियों ने यज्ञशाला में आरती की व मंदिरों में विराजित प्रतिमाओं के दर्शन किए। प्रारंभ में संत भगवान बापू ने ओम नमः शिवाय भजन सुनाया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ट्रस्टी सत्यनारायण जायसवाल, डॉक्टर पुरुषोत्तम व्यास, तरुण मित्तल, अनीता सारस्वत, विजय कुशवाहा, विजय दुबे, सुनील यादव, चारधाम मंदिर के प्रबंधक पंडित राम लखन शर्मा आदि मौजूद थे। समापन पर सभी ने प्रसादी ग्रहण की। यहाँ पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ब्रह्मलीन, उन्हीं की मूर्ति थी, उन्हीं का मंदिर था। इसमें हम लोगों ने फिर तय किया था कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेंगे, तो चूंकि इस बार भी देश बड़ी एक महामारी से जूझ रहा है, सारे देश भर में हाहाकार है, ऐसे समय में अब हम लोगों ने भी सोचा कि भाई मूर्तियाँ कब तक ऐसे रखे रहे, पिछले साल नहीं करा तो इस साल भी नहीं करेंगे, तो इसलिए भले ही सूक्ष्म रूप से सही मूर्तियों की स्थापना तो कर देते हैं, कार्यक्रम बाद में करते रहेंगे। तो उसी दृष्टि से 7-8 पंडितों के द्वारा एक छोटा सा कार्यक्रम यज्ञशाला में हवन का, पूजन का हुआ, मूर्तियों का पूजन हुआ। आज मूर्तियों की स्थापना हो गई है। जो रोज़ चलता है ना, जलादिवास है, अन्नादिवास है, ऐसे करके अलग अलग, वो सब वस्त्रादिवास, वो सब हो चुके, होने के बाद आज उनको प्रतिष्ठित कर दिया गया और आज अभी उनकी आरती हो गई है। तो अब धार्मिक रीति की दृष्टि से तो ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है मूर्तियों की स्थापना का। अब क्या जो औपचारिक कार्यक्रम है उसको फिर कभी समय मिलेगा तब करेंगे। अभी तो केवल भगवान महाकाल से, 12 ज्योतिर्लिंग से यही प्रार्थना है कि अपने देश से, अपने नगर से, अपने प्रदेश से और समूचे भारतवर्ष से कोरोना से मुक्ति दिलाएं भगवान सबको। आज हमारे सबके लिए बड़ा हर्ष का दिन है। आज शंकराचार्य जयंती भी है और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी आज पूर्ण होने जा रही है। ये हमारे स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी का बड़ा संकल्प था, जो पिछले वर्ष भी आयोजन होने वाला था परंतु कोरोना के काल में यह कार्यक्रम नहीं हुआ। इस बार परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म तरीके से कोरोना का पालन करते हुए और जिस प्रकार से आयोजन हुआ है आप लोगों को मालूम है। प्रियादित जो भी हमारे भक्तगण थे उन्हीं को यहाँ प्रवेश दिया गया और उन्हीं से मतलब से हमने आने जाने का प्रवेश का रखा और उनके द्वारा ही यह पूजा अर्चना की गई। आज यहाँ अभी महाकालेश्वर और अन्य जो 12 ज्योतिर्लिंग है उन सभी को आम जनता के लिए दर्शन के लिए खुले कर दिया गए हैं, परंतु कोरोना के बाद में ही यहाँ पर दर्शन का लाभ हमारे सामान्य जनमानस ले पाएगा।